सर जी काम कर रहे हैं सवेरे सवेरे, क्या कर रहे हो? देखिए गाय का दाना बनका रहे हैं और इनका काम यही है गाय का खाना बनाना, और मेरा काम नहीं है। मेरा काम देखिए सब पड़ा हुआ है क्योंकि मेरा तबीयत बहुत खराब है, मेरा पेट दर्द करता है, मुझे उल्टी होता है बहुत ज़्यादा, पता नहीं काहे को उल्टी होता है, लगता है कि हमको ठंडी लग गया है कि ना, कहीं जाते आते इसका ठंडी लग गया है। मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। देखिए हमारे मिसर जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बैक कैमरा कीजिएगा, पता नहीं क्या हो गया है कि हमारा धोई ले बा प्यार के बुखार, चला चला गंगा के पार। मेरा तबीयत बहुत खराब है, कोई काम करने वाला नहीं, मेरा आँख धंस गया है ना। देखिए पटना उठना चल जाते हैं ना तो खाने उने की बड़ी दिक्कत रहता है, सोने का दिक्कत रहता है, मेरे पास में उतना पैसा नहीं है, स्टेशन पर जाके सोते हैं क्योंकि रूम रेंट बहुत ज़्यादा लगता है, 500 रुपया रहेगा तब ना रूम लेंगे। और भी देखा नहीं जाते तो आधार कार्ड क्या चीज़ मिलता रहता है, समझिए कि 10 आदमी 15 आदमी रहते हैं तो रूम ले लेते हैं, अकेले रूम लेना अच्छा बात नहीं है क्योंकि साथ में मेरे ससुराल रहता है, इसलिए नहीं लेते हैं। और देखिए मेरे मिश्रा जी सवेरे उठ कर क्या करते हैं, क्या कर रहे हो मिश्रा जी? कोस के बोलिए ना हो, गाय माँ के भोजन के लिए दाना बना रहे हैं क्योंकि मेरे अभी दीपावली के घर साफ उफ नहीं किए हैं, मेरे घर में कचरा तचरा लगा हुआ है, क्या करें। देखिए मेरा पाइल झनर 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 बोलता है, देखिए मेरा घर का स्थिति है, देखते हैं कब मेरा घर बनेगा, समझ नहीं आता है। जानते छठ पर मिश्री का व्रत करते मगर नहीं करेंगे, आज कहीं भी नहीं जाना है और बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। और देखिए ऐसा पायल चानी के रहता था काश छन 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 करते तो कोई हमारे पायल के चनकार सुनते ही रे, छरे करके बोलते हैं भाग जाता है, इसलिए बोल देते हैं। पता नहीं मेरा लगामी हो गया है इसमें, अभी मैं चाय पी हूँ और जा रही हूँ बर्तन वर्तन धोऊंगी, मन नहीं करता है, मेरी तबीयत एकदम ख़राब है, एकदम ऐसे बोलते हैं ना तो सर दर्द करता है, और ऐसे ही सीटी स्कैन करवाए तो बोला कि सर का ज़्यादा दर्द करता है, तो खराबी बात है क्या क्या, हम लोग प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, महा प्रॉब्लम। मिश्रा जी आप क्या करते हैं अभी, हाँ अभी क्या कर रहे हैं? जाएंगे यहाँ से, जोड़ेंगे दाना बनाएंगे, दाना बनकर देते हैं, दूध खिलाएंगे तो दूध कहाँ से देंगे, कभी दूध ज़्यादा देता है कभी कम देता है। अय्या देखिए कचरा का भंडार, मेरा जो छोटा वाला है साल की खरीद दिए, एहन एरा है चढ़ता भी नहीं है, तो मेरे घर में सिर्फ हम हैं और मेरे छोटा वाला लड़का है और मेरे मिश्रा जी हैं। हम जरूर अब छोटे लड़का को दिखाएंगे, उसका उसका फेसबुक है आईडी, उस पर उसका फोटो वोटो लगा हुआ है, सुजाता मिश्रा नहीं है, पुरुषोत्तम मिश्रा करके है, तो जो सर्च मारेगा वो मेरे छोटा वाला को देख लेगा, नमूना है, हम लोग ज़्यादा करके नहीं दिखाते हैं, डर लगता है। जानते हैं मेरे गांव में चोरी हो गया कि नहीं, चोरी हो मेरे सामने में काकी है उसके घर में चोरी हुआ ना, आपने पूरा सामान लूट लिया, जैसे मेरे घर में चोरी हुआ ना तो सब लोग क्या बोल रहे थे आप जानते हैं, हे वीडियो बनाने के चक्कर में कनिया ना झूठ बोले छे, ऐसे करके बोल ऐसा बोल रहे थे, और मैं बड़ी परेशान हुई। जानते हैं 22-24 हज़ार के न्योतापुरने के लिए कपड़ा लिए हुए थे क्योंकि भाई का मूड़न था, शादी था, बहन का शादी था, तो बहुत दिक्कत हुआ, ज़्यादा करके दिक्कत। जानते हैं मेरा पैजेब था, नथ था, मंगलसूत्र सब मेरा उठा के ले गया, और गहना हम घर पे नहीं रखते हैं, मेरी मम्मी मायके में रखते हैं, कोई कोई गहना है जो डेली यूज करते हैं, झुमका मेरे पास था मगर क्या किए थे सोनार को दे दिए थे तली लगवाने के लिए, तो सोनार को दे दिए हुए थे, और मंगलसूत्र और सिर्फ पैजेब न था, और देखिए वो सब मेरा ले गया, 1 लाख रुपया समोस से निकाले हुए थे तो वो भी पैसा ले गया, बहुत दिक्कत हुआ, खाने के लिए लालच हो गया। और ये लोग बोलते हैं कि हम जाते हैं केस में थाना में रिपोर्ट कराएंगे, थाना वाला क्या बोला जानते हैं, बोला थाना वाला कि क्या ये किस पे आप केस कीजिएगा, अब देखे हैं चोरी करते हुए, थाना वाले का भी बोली सही था, इसलिए फिर बाद में हम क्या किए, लास्ट में वो पैसा लेता है थाना वाला, वो बोला कि आप बहुत गरीब हैं आप लेकर जाइए, तो फिर
फिर बाद में हम लोग लेकर चले आए, फिर बाद में दोबारा नहीं गए हम, जानते हैं। अभी कहिए, थाना में रिपोर्ट करने से पैसा कथी वाह वो सामने में ना। हाँ तो फिर हम बहुत दिक्कत हुआ, हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, बहुत कष्ट हुआ, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। और इसके बाद में हम दोबारा फिर बाद में नहीं गए। फिर सोचे कि बताइए दोस्तों कमेंट करके कि पैसा नहीं था, कर्जा उठा के गए थे थाना में रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो थाना वाला बोला कि देखिए आप बहुत गरीब हैं, आप देखे नहीं कि मेरे घर में कौन चोरी किया, और ये 3000 रुपये आप दीजिएगा, इससे अच्छा है कि आप जाइए, इससे आप खाइएगा, कम से कम एको महीना के तो खा लीजिएगा। अभी तक भी पैसा समूह में भरते ही हैं, जानते हैं समूह में 5000 रुपया भरते हैं, पैसा अभी तक नहीं सदा है। फागुन में सदेगा, यानी मार्च में सदेगा, तब ना मेरे पास में पैसा नहीं रहता, अच्छा कपड़ा नहीं रहता। कहीं भी जाते हैं तो कोई बोलता रहता है कि आप इतना वायरल हैं, आपके पास में इतना कपड़ा ना रहता है। जानते हैं मैंने मोबाइल किस्त पर ली हूँ लगभग 23-24 हज़ार का, तो उसका भी EMI बना हुआ है 2000 रुपया, और वो भी भरते हैं। बड़ी दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ऊपर से गिर गया तो नाक में चोट लगा तो उसमें पैसा लगा। वो कभी नहीं सुनते हैं कि जब दुख आना दुख आता है तो 4 रुपये से दुख आता है, वैसे ही है। तो मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा, और ऐसे मेरे वीडियो में बने रहे। थैंक यू, दिल से धन्यवाद। फिर से मैं वीडियो लेके आती हूँ, तब तक के लिए बाय, और देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आते हैं चाउमीन पिज्जा के साथ।